रात के 12 बज गए। सेठ जी पूरा प्रयास कर रहे हैं सोने का, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही। वो आज बड़े बेचैन हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति तो पूरी है, लेकिन उनके पास परिवार नहीं है। परिवार होते हुए भी परिवार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को विदेश में, बचपन से ही विदेश में पढ़ाया लिखाया, और आज वो बच्चे विदेश में ही सेटल हो गए, तो पिताजी से मिलने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। इस चीज को सोचते हुए आज सेठ जी बहुत आकुल है, व्याकुल है। इस आकुल व्याकुलता से दूर होने के लिए, उस आकुल व्याकुलता पर कंट्रोल करने के लिए सेठ जी ने गाड़ी उठाई रात को ही और गांव की तरफ निकल गए। सेठ जी गाड़ी चलाते चलाते अपने आप को समझा रहे थे, अपने मन को समझा रहे थे कि आगे उन्होंने बहुत दूर मंदिर दिखाई दिया, तो उनके मन में आया चलिए आज भगवान के चरणों में जाकर बैठते हैं। बहुत दिन हो गए मंदिर भी नहीं गए, आज मन भी बहुत अशांत है, आज प्रभु के चरणों में जाकर कुछ समय अपना काटता हूँ। सेठ जी गए और जैसे ही वो मंदिर में घुसे, गांव के मंदिर होते हैं दरवाजे रात को होते नहीं, खुले रहते हैं मंदिर, जैसे ही वो मंदिर में घुसे, सेठ जी से पहले एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू टप टप टपक रहे थे, आंखें उसकी बंद थी। सेठ जी ने भगवान को प्रणाम किया और उस व्यक्ति को हाथ से हिलाया और बोला, तुम इतनी रात को भगवान के चरणों में आकर क्यों रो रहे हो? उसने अपनी व्यथा सुनाई कि मेरी पत्नी का कल ऑपरेशन है और पत्नी के ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, और सभी अपनी अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, लेकिन मैं भी अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता हूँ। अगर मेरी पत्नी जीवित नहीं रही तो मेरा भी जीना मुश्किल हो जाएगा, मैं भी अपनी पत्नी के बिना जी नहीं सकता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई मार्ग नहीं था, इसीलिए मैं भगवान के चरणों में आकर अपने आप को समर्पित कर दिया कि सौंप दिया, या तो मुझे मेरी पत्नी वापिस करो या फिर मुझे भी अपनी शरण ले। सेठ जी ने उसकी भक्ति और पत्नी के प्रति असीम प्यार को देखते हुए, सेठ जी का हृदय भी परिवर्तित हुआ और सेठ जी ने अब उनकी जेब में जितने पैसे थे उस व्यक्ति को दिया, बोले लो ये पैसे और जाओ अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराओ, और साथ में विजिटिंग कार्ड भी दिया कि कुछ कमी पड़ जाए तो मुझे फोन कर लेना, मैं तुम्हें और पैसे भेज दूंगा। कार्ड को उसने वापिस सेठ जी को दे दिया, बोले मुझे पता मालूम है। बोले क्या मतलब पता कैसे मालूम है? सेठ जी ने एकदम बड़े अचंभित होकर पूछा। उन्होंने कहा, जिसने रात को 2 बजे मेरी मदद करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है, वो निश्चित रूप से मेरी मदद करने के लिए किसी न किसी को वहां पर भी भेजेगा। तो तुरंत सेठ जी भी समझ गए कि देखिए भगवान की क्या लीला है, मेरा मन उन्होंने किस तरह से परेशान किया, आकुल किया और व्याकुल किया, मुझे यहां तक पहुंचाया। भगवान की असीम कृपा है, उन्होंने भगवान को नमन किया और अपने मन को भी बड़ा प्रसन्न उन्होंने पाया। उधर उस व्यक्ति ने भगवान की इस कृपा को देखकर अपना पूरा जीवन प्रभु सेवा में समर्पित कर दिया। जब आप पूर्णतः भगवान की सेवा में समर्पित हो जाते हैं, भगवान के लिए अपने जीवन को सौंप देते हैं, फिर आपके जीवन की चिंता आपकी नहीं रहती, फिर स्वयं ईश्वर आपके जीवन की चिंता करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भारत जैन माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये कहानी पूर्णतः सच नहीं होती, लेकिन बहुत कुछ इन कहानियों में सच्चाई होती है, और इन कहानी के माध्यम से अगर हमारा जीवन बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ता है, नास्तिकता से आस्तिकता की ओर बढ़ता है, आस्तिकता से मतलब मेरा ये भी नहीं है कि आप आंख बंद कर काम धंधा छोड़कर भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाए, नहीं, कर्म सबसे पहली पूजा है। जो कर्म करते हैं, जो काम करते हैं, भगवान भी उन्हीं की पूजा को स्वीकार करते हैं। भगवान की पूजा ये नहीं है कि आप 5 लीटर दूध लेकर जाओ और भगवान के ऊपर चढ़ाए आओ और वो दूध नाली में बह जाए। भगवान की पूजा तो सिर्फ ये है कि एक बूंद आप जल की भी भगवान के पावन चरणों में समर्पित कर देंगे, वही अमृत बन जाएगी, और वही अमृत सभी के लिए जीवनदायक बनेगा, सभी की बीमारी में औषधि का कारण बनेगा। तो इस भक्ति में भी आप विवेक का इस्तेमाल करें। भगवान ने आपको भक्ति के साथ साथ बुद्धि भी दी है, बुद्धि का इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा धर्म है मानव सेवा। जब आप मानव सेवा करते हैं और मानव सेवा में तल्लीन हो जाते हैं, तो फिर आपको किसी भी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, आपका हृदय स्वयं मंदिर बन जाता है। आपको हर इंसान के अंदर भगवान की मूर्ति दिखाई देती है, हर जगह आपको भगवान नजर आता है, और आप मंदिर जाते जाते आपको बरसों बीत चुके, मंदिर जाने के लिए तो आपके पास समय है, लेकिन किसी व्यक्ति की, किसी निर्धन की, किसी असहाय की, किसी अपंग की सेवा करने के लिए आपके पास अगर समय नहीं है, तो आपका जो मंदिर जाना वो व्यर्थ हो जाता है। अगर आपके हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है, क्षमा नहीं है, तो फिर आप मंदिर जाकर भी
आपका जीवन, अगर आपके जीवन में इतना बदलाव नहीं आया तो आप एक बार आप पुनः विचार करें कि आप मंदिर में जाकर क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लगा हो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।